गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारी क्लास क्लास में बात कर रहे हैं। तो बेटा लास्ट क्लास में हमारा फंक्शन चल रहा था। बेटा फंक्शन में लास्ट टॉपिक बेटा हमारा हुआ था, वो हुआ था बेटा इनइक्वलिटी का। वो क्या बोलते हैं बेटा, इंटरवल का। ओपन इंटरवल किसे बोलते हैं और बेटा क्लोज इंटरवल किसे बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। अगले हाँ तो बेटा यहाँ पे एक बात और हम ध्यान दे दीजिए। हमने क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल पढ़ लिया था। क्लोज क्या था बेटा, अगर बेटा मुझे बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड करना हो, जैसे अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, या फिर मैंने बोला x एक से लेके चार है, अगर मुझे एक और चार दोनों को इंक्लूड करना हो तो मैं क्लोज बोलूंगा, दैट इज इक्वलिटी का साइन आएगा, ठीक है ना। बट अगर मुझे इनको इंक्लूड नहीं करना हो बेटा, तो बेटा मेरे पास ओपन का साइन आएगा। देखो इसमें वन से बड़ा कंसिडर है, मतलब 1.00001 कंसिडर होगा, बट बेटा वन कंसिडर नहीं होगा। तो बेटा इस पे क्या आएगा बेटा, इस पे ओपन का साइन आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा अगर बेटा मान लो कभी किसी एक पॉइंट पे क्लोज हो, किसी एक पॉइंट पे ओपन, तो भी क्या होता है, तो भी बेटा आंसर पॉसिबल होता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्लोज लगा देता, यहाँ पे इक्वल टू लगाता और यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाता, तो बेटा इस केस में यहाँ पे क्लोज आता और यहाँ पे ओपन आता। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और मान लो बेटा अगर मैं इधर ना लगा के इधर इक्वल टू लगाता बेटा, तो बेटा मेरा इधर क्लोज आता और बेटा इधर इक्वल टू आता। ये था बेटा मेरा ओपन इंटरवेल और क्लोज इंटरवेल, ठीक है ना। और बेटा एक बात मैंने आपको और बताई थी कि अगर कभी भी एक्स ग्रेटर देन वन आता है, मतलब वन से बड़ा अप टू इनफाइनाइट, तो बेटा मैंने कहा था एक से लेके इनफाइनाइट तक की अगर मैं बात करता हूँ, तो बेटा इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट बेटा दोनों पे बेटा ऑलवेज ओपन ब्रैकेट ही आएगा। क्या आएगा बेटा, दोनों पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट ही आएगा, क्योंकि इससे पहले एक टर्म आएगी और बेटा इसके बाद एक टर्म आएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। तो बेटा यहाँ इनफिनिट से पहले बेटा हमने ओपन ब्रैकेट और लगाया, ठीक है ना। फिर बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल दिया था कि बेटा मान लो ये मैंने क्या थी, नहीं बेटा पांच कर दीजिए, क्या कर दीजिए, पांच कर दीजिए। हाँ जी मान लो बेटा मुझे एक से पांच तक की सभी वैल्यूज को लेना है, एक से पांच तक की सभी वैल्यूज को लेना है, एक पे ओपन इंटरवेल है, बट उसके बीच में बेटा मैंने चार पे भी बंदू से बोल दिया कि भैया मैं चार पे भी वैल्यू को नहीं ले रहा। तो बेटा इसको लिखने के दो तरीके, पहला तरीका क्या, एक से स्टार्ट किया, चार तक गया, एक पे ओपन था तो बेटा मैंने ओपन कर दिया, चार पे, चार मुझे नहीं लेना तो चार पे ओपन कर दिया, फिर नया इंटरवल कहां से स्टार्ट हुआ, वापस चार से स्टार्ट हुआ, बट बेटा चार काउंट नहीं किया, तो यूनियन चार से लेके पांच। एक तरीका तो बेटा इसको लिखने का मेरे पास ये था, ठीक है। एक तरीका बेटा मेरे पास और होता है बेटा, वो ये होता है एक पे तो ओपन, एक से मैंने स्टार्ट किया और बेटा मैं पूरा ले गया पांच तक, पूरा ले गया पांच तक और उस पर बेटा मैंने क्लोज कर दिया। अब बेटा इस पूरे इंटरवल में मुझे हटाना किसे था बेटा, इस पूरे इंटरवल में बेटा मुझे फोर को रिमूव करना था, क्योंकि बेटा फोर पे ओपन इंटरवल हो रखा था, ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखना, रिमूव करने के लिए बेटा हम सिंबल लगाते हैं माइनस, और माइनस के बाद बेटा इस चीज को लिख लेते हैं। बेटा ध्यान रखना, अगर मुझे किसी इंटरवल में से कोई चीज रिमूव करनी हो तो माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माइनस, ठीक है ना, वन नहीं फोर, वन नहीं फोर, क्या लगाते हैं, माइनस। और अगर ऐड करनी हो तो सर प्लस, तो प्लस नहीं तो यूनियन, ठीक है ना। अगर मान लो मुझे ऐड करना हो तो बेटा मैं लगाता यूनियन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला टॉपिक बेटा। हाँ जी एक इधर और ध्यान दीजिएगा बेटा, बेटा ये जो मेरे पास कर्ली ब्रैकेट होते हैं बेटा, आपने सेट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कर्ली ब्रैकेट मतलब स्पेसिफिक वैल्यूज, नंबर ऑफ समूह के अंदर नंबर्स, ठीक है। तो बेटा अगर मैं कर्ली ब्रैकेट की बात करूंगा बेटा, तो बेटा कर्ली ब्रैकेट के अंदर सोल्यूशन ऑलवेज स्पेसिफाई आएगा, इंटरवेल नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला एक दो तीन, तो बेटा मैं सिर्फ एक दो और तीन की बात करूंगा, उनके बीच की वैल्यूज की बात नहीं करूंगा। तो बेटा सिम्बॉलिक फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इस तरह लिख रहा हूं मतलब मैं सिर्फ एक, मान लो तीन नहीं होता, ओनली एक और दो होता, ओनली एक और दो होता, तो अगर बेटा मैं कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूं तो सिर्फ एक और दो को काउंट कर रहा हूं, बट अगर मैंने यहाँ पे ओपन या क्लोज लगा देता तो बेटा एक से लेके दो तक की सारी वैल्यूज को मैं काउंट कर लेता, मतलब 2.5 उसमें आ जाती बट इधर नहीं काउंट होगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए नॉट इंटरवेल वही लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली 1 2 3 4, वो सिर्फ तीन वैल्यूज को ही डिफाइन करता, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, बेसिक ऑफ इनइक्वलिटी। बेसिक ऑफ इनइक्वलिटी बेटा, इनइक्वलिटी क्या होता है, देखिए पहली बात तो समझिए रूल ऑफ इनइक्वलिटी क्या होता है। देखो बेटा क्वेश्चंस के थ्रू हमें ज्यादा समझ में आएगा, बट फिर भी एक बार हम रूल पढ़ लेते हैं, रूल क्या बोलता है, ठीक है ना। सबसे पहला रूल क्या बेटा, करने का तरीका, रूल बोल दो या फिर एल्गोरिदम बोल दो, क्या बोल दो, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब क्वेश्चन को करने का तरीका। इनइक्वलिटी का क्वेश्चन अगर हमारे पास सामने आता है तो हम कैसे करेंगे, पहली बात तो क्या आप सभी को पता है इनइक्वलिटी किसे बोलते हैं, ये होती है बेटा ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो बेटा ये होते हैं इनइक्वलिटी। ये क्या होती है बेटा, इनइक्वलिटी, ठीक है ना।
ये हो गई हो गई। तो बेटा अगर कभी भी कोई भी इनइक्वालिटी आपके सामने आती है, क्वेश्चन सामने आता है, तो उसे कैसे करना है हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी एक इनइक्वालिटी थी, बट ये एक ही फंक्शन था, बट अगर मैं आपके मान लो दो तीन फंक्शन दे देता तो कैसे सॉल्व करता, तो भी तो कुछ होता ना। तो बेटा उसको बोलते हैं बेटा इनइक्वालिटी, ठीक है ना। तो रूल ऑफ इनइक्वालिटी सबसे पहले देखिए, पहला क्या बोलता है बेटा, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड ऑल ऑल पावर ब्रैकेट। सबसे पहला बेटा काम हमारे पास होता है कि इक्वेशन को आप फैक्टराइज कर दो। क्या कर दो बेटा, फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करने के बाद बेटा आपके जो ब्रैकेट्स आए, जैसे मान लो आपके पास कोई इक्वेशन आ गई, ठीक है, आप उसके फैक्टर करेंगे, एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर, ठीक है। तो कई बार फैक्टर में आपके रिपीट भी कर सकते हैं, मान लो कोई आपकी पॉलीनोमियल इक्वेशन है, ठीक है ना, तो एक रूट वो तीन तीन बार रिपीट कर रहा है, कोई रूट दो बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो बेटा आप ब्रैकेट के ऊपर उसकी डिग्री भी लिखोगे, ठीक है ना। तो बेटा आपको ऑड पावर ब्रैकेट पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है बेटा, ऑड पावर ब्रैकेट पे ध्यान देना है, जिसकी पावर ऑड हो, मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, क्लियर। अगला देखिए, गेट वैल्यूज फ्रॉम द ब्रैकेट, उन ब्रैकेट से उनकी वैल्यूज निकालिए। वैल्यूज का मतलब जीरो, जैसे मैं बोलता हूं x माइनस ए इंटू x माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो बेटा वैल्यूज देखो, पहली बात तो ऑड पावर मतलब इनकी पावर कितनी है, 1। मान लो मैं इसकी पावर कर देता 3, तो ये भी क्या पावर होती, ब्रैकेट की पावर होती, किसकी पावर होती, ब्रैकेट की। मान लो बेटा ये होती 4, तो ये इवन पावर और ये ऑड पावर, मतलब इस ब्रैकेट ने बेटा मुझे इस ब्रैकेट की पावर है इवन, इस ब्रैकेट की पावर है ऑड, ठीक है। तो पहले का मतलब ये था ब्रैकेट बनाओ और उसकी पावर लगाओ, ठीक है, ऑड पावर वाले मेरे ज्यादा काम के हैं, ठीक है। सेकंड बिट पॉइंट था बेटा कि इनके जीरोस निकालो, जीरो मतलब बेटा फैक्टर्स को जो भी है उनको इक्वल टू जीरो करो, और बेटा यहां से मेरी एक्स की वैल्यू निकलेगी, यहां से एक्स क्या आएगा, यहां से आएगा एक्स इक्वल टू ए, ये इसका जीरो होगा, जीरो मतलब सॉल्यूशन होगा, और बेटा यहां से आएगा बेटा एक्स इक्वल टू बी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, दो पॉइंट, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरे पॉइंट से पहले बेटा हम पहले चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, पुट पॉजिटिव साइन ऑन द राइट मोस्ट साइड, मतलब राइट मोस्ट साइड के ऊपर बेटा आपको पॉजिटिव साइन लगाना है, जो मेरा राइट मोस्ट साइड पे क्या लगाना है, पॉजिटिव साइन। उसके बाद चेंज कर देना है साइन को फॉर ऑड पावर ब्रैकेट्स, चेंज कर देना है साइन को फॉर ऑड पावर ब्रैकेट ओनली, ठीक है ना। जिस ब्रैकेट के ऊपर ऑड पावर है उसके लिए मुझे साइन चेंज करना है, इवन के लिए साइन चेंज नहीं करना है। जैसे कि सिंपल सी बात इधर देख ले, मान लो बेटा मेरे पास ये होता 4 और बेटा ये होता 3, ठीक है, नंबर लाइन पे मैं पुट करता, ए मेरा पहले आ जाता, बी मेरा बाद में आ जाता, तो सबसे पहले राइट मोस्ट लगाओ पॉजिटिव, ठीक है। फिर चेक करो कि बी कहां से आया बेटा, बी आया बेटा इस वाले ब्रैकेट से, किससे ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से, इसकी पावर कितनी है 3, मतलब ऑड है, तो बेटा मेरा साइन चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस से माइनस हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। फिर गया मैं ए के पास, ए किस ब्रैकेट से आया था बेटा, ए आया था बेटा इस वाले ब्रैकेट से, इस वाले ब्रैकेट की पावर कितनी 4, इवन या ऑड, इवन। तो बेटा अगर मेरी पावर इवन है बेटा तो साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज साइन रह जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। पहला काम फैक्टर करो, पहला काम फैक्टर करो, उसके बाद जीरोस को नंबर लाइन पे प्लॉट करो, उसके बाद राइट मोस्ट पॉजिटिव, ठीक है ना। और फिर बेटा साइन चेंज कैसे होगा, जो जीरो मेरा ऑड पावर से आया है उस पे साइन चेंज होगा, जो जीरो मेरा इवन पावर से आया है बेटा उसका साइन चेंज नहीं होगा। अगर पहले नेगेटिव तो बाद में भी नेगेटिव, अगर पहले पॉजिटिव तो बाद में भी पॉजिटिव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या करना है बेटा, अगर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू है, जीरो है, तो बेटा मुझे पॉजिटिव साइन लेना है। कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव। अगर लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू जीरो है तो बेटा नेगेटिव साइन लेना है। देखो लेस देन जीरो होने का मतलब नेगेटिव, ग्रेटर देन जीरो होने का पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ग्रेटर देन जीरो मतलब बेटा मैं आंसर लूंगा ए से लेके इनफिनिट, बी से लेके इनफिनिट, क्योंकि पॉजिटिव चुनना है मुझे, नेगेटिव नहीं चुनना। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो बेटा ये तो था बेटा मेरा बेसिक, सबसे पहले फैक्टर करो, फैक्टर करके उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, नंबर लाइन पे प्लॉट करके बेटा सबसे राइट वाला पॉजिटिव होगा, फिर ऑड पावर जो जीरो मेरा ऑड पावर से आया है उस पे साइन चेंज, जो इवन से आया उस पे साइन चेंज नहीं होगा। बेटा ये तो था मेरा फंडामेंटल बेसिक, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा मुझे एक चीज और चेक करनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे बच्चे गलती करते हैं। पॉइंट नंबर सी, बहुत काम का, फाइंड ऑल द वैल्यूज व्हिच इज नॉट डिफाइंड एंड रिमूव दैट। बेटा देखो ये कुछ नहीं है, आपको करना क्या है बेटा, आपको ऑलवेज इवन चेक इवन पावर, देखो ये लिखा हुआ ना चेक एट इवन पावर, मतलब जिस भी वैल्यू पे मेरा फंक्शन इवन पावर हो रहा है आपको वो चेक करना है, ठीक है। और डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है आपको वो चेक करना है, आपको दो वैल्यू चेक करनी है, एक तो इवन पावर और एक डिनोमिनेटर। कैसे चेक करना है बेटा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बेटा उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम चेक कैसे करेंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आते हैं। सबसे पहला बेटा एग्जाम्पल मेरे पास है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। बेटा देखो पहली बात तो हम इधर एक देख लेते हैं कि इसका एक फैक्टर देखो 1 होगा। देखो 1 डालने पे क्या होगा, देखो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 दैट इज 0, ठीक है ना। मतलब एक फैक्टर तो बेटा इसका 1 जाना है, ठीक है। उसके बाद जब मेरी क्वेश्चन आएगी आप डिवाइड करोगे तो बेटा आपके पास दो फैक्टर्स और आएंगे, 2 एंड 3, ठीक है ना। तो बेटा मैंने सीधे फैक्टर्स कर दिए हैं, ठीक है। बट एक बात आप याद रखिए, ये मेरी स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन है जो जेई वाला कई बार सीधे ही यूज कर लेता है। चाहो तो आप बार बार निकालने में टाइम खराब करो, चाहे याद कर लो। क्यों बेटा, इसके रूट बहुत स्टैंडर्ड है, 1, 2, 3, आपके तीनों नेचुरल नंबर 1, 2, 3 स्टैंडर्ड रूट है, इसलिए बेटा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। चाहो तो आप याद भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तीन रूट 1, 2, 3, ठीक है। तो पहला काम क्या था बेटा, सबसे पहला काम ब्रैकेट लगाओ। देखो मैंने क्या कहा था, सबसे पहला काम फैक्टर्स करो। फैक्टर्स करने के बाद सब जीरोस को नंबर लाइन पे पुट करो, तो 1, 2, 3 मैंने तीनों नंबर लाइन पे पुट कर दिए। दूसरा काम ये था। तीसरा काम क्या था बेटा, एक्सट्रीम राइट पे पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव लगाया। फिर मैंने क्या कहा था बेटा, फिर मैंने कहा था कि जो ऑड पावर उस पे साइन चेंज। देखो 3 मुझे कहां से मिला बेटा, बेटा 3 मुझे मिला है इस ब्रैकेट से। पावर कितनी, 1, मतलब ऑड, मतलब साइन चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव। 2 किससे मिला है, इससे, मतलब पावर कितनी, फिर से 1, और फिर से साइन चेंज माइनस से प्लस। 1 किससे मिला है मुझे बेटा, इस ब्रैकेट से। पावर कितनी बेटा, और 1, फिर से साइन चेंज मतलब नेगेटिव। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्या समझ में नहीं आया। फिर मैंने क्या कहा था बेटा, अगर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बेटा मैं पॉजिटिव साइन ऑप्ट करूंगा। तो देखो इधर क्या है बेटा, इधर है ग्रेटर देन 0, तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव साइन चुनूंगा, मतलब 1 से लेके 2 तक और 3 से लेके बेटा इनफिनिट तक। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ इतना, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 से लेके 2 और 3 से लेके इनफिनिट, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट ऑफ समझिएगा बेटा, यहां पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ, इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ बेटा। इक्वलिटी का साइन नहीं था तो इंटरवल कौन सा था बेटा, ओपन। तो बेटा इधर क्या आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा ओपन इंटरवल, मतलब 1 से लेके 2 तक यूनियन 3 से लेके 4 तक। इज इट क्लियर टू ऑल, क्या जी समझ में आया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेटा ये मुझे कई सारे कॉन्सेप्ट समझाएगा। पहली बात तो मुझे समझाएगा इवन पावर क्या होती है, चेक कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं बेटा, मुझे निकालना है एक तो लेस देन जीरो, फिर यही क्वेश्चन मुझे निकालना है ग्रेटर देन जीरो, फिर यही क्वेश्चन मुझे निकालना है बेटा लेस देन इक्वल टू जीरो, और बेटा फिर यही क्वेश्चन मुझे निकालना है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चारों केस निकाल दूंगा, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन के चारों केस, ठीक है। सबसे पहले निकाल लेते हैं बेटा, पहले तो उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो इधर निकाल लेते हैं बेटा, इसको अलग से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या था बेटा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 4। इस सबसे पहले तो बेटा हम ले लेते हैं ग्रेटर देन 0, पहला केस ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा। अगर मैं बात करता हूँ ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा, तो बेटा सबसे पहले मैं नंबर लाइन पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा, नंबर लाइन पे। तो पहला कौन सा पॉइंट आएगा बेटा, माइनस 4, उसके बाद कौन सा आएगा बेटा, 1, ठीक है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले पॉजिटिव, पहले सबसे पहले फैक्टर ऑलरेडी रन कर रखे, उसके बाद नंबर लाइन पे पुट मैंने कर दिया, उसके बाद एक्सट्रीम राइट, उसके बाद सेकंड काम क्या था, चेक करो 1 मुझे कहां से मिला बेटा। 1 मुझे मिला है बेटा इस वाले रूट से, किससे बेटा, इस वाले रूट से। पावर कितनी है बेटा, इसकी पावर है बेटा 2, 2 का मतलब इवन, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, साइन चेंज नहीं होगा, मतलब बेटा मुझे मिलेगा एज इट इज प्लस। क्या क्लियर। फिर क्या, माइनस 4, माइनस 4 कहां से मिला बेटा, मुझे यहां से मिला, कहां से मिला, यहां से मिला, यहां से, मतलब पावर कितनी, और मतलब साइन चेंज होगा, मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ जी। तो बेटा ये तो था मेरी बेसिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसका पहला एक केस ले लेते हैं, एक केस का, जब बेटा ये मेरा ग्रेटर देन 0 है। कौन सा बेटा, अगर ये मेरा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, ग्रेटर देन 0 होने का मतलब बेटा मैंने कहा था पॉजिटिव लूंगा, क्या लूंगा, पॉजिटिव ऑप्ट करूंगा। तो पॉजिटिव देखो, माइनस 4 से 1 तक पॉजिटिव, 1 के बाद भी पॉजिटिव, मतलब बेटा ये पूरा इंटरवल बेटा मेरा हो गया पॉजिटिव। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, पूरा इंटरवल बेटा मेरा हो गया पॉजिटिव, मतलब 4 से बेटा पूरा पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब बेटा मेरा x आ गया, x बिलोंग्स टू, पहली बात तो बेटा इक्वल टू नहीं है, ओपन इंटरवल आएगा, तो क्या लूंगा, माइनस 4 से लेके इनफाइनाइट। क्या समझ में आया, क्योंकि 1 भी है, 1 के बाद भी है, सब भी सभी वैल्यूज है, तो मैं क्या बोलूंगा, माइनस 4 से इनफाइनाइट, ठीक है। बट बेटा यहाँ पे जो हमारे पास दो चीज थी, एक तो बेटा और पावर आया, तो
तो मैंने कहा था अगर ऑड पावर आ जाए या डिनोमिनेटर आ जाए तो बेटा दोनों को आपको चेक करना है। अब चेक क्या करना है बेटा, वो भी समझ लो बेटा, जिस भी जिस वैल्यू पे बेटा फंक्शन मेरा ऑड पावर दे रहा है, आपको उस वैल्यू को फंक्शन में एक बार डाल के चेक करना है कि वो फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे कि यहाँ पे मुझे ऑड पावर किस पर, इवन पावर किस पर आया, सॉरी ऑड पावर नहीं बेटा मैं उल्टा बोल गया, इवन पावर को चेक करना। मैंने आपसे कहा था कि अगर इवन पावर आती है तो उस पर साइन चेंज तो नहीं होगा, बट मुझे उसको अलग से बिठा के चेक करना पड़ेगा कि भैया तू इधर आ जा साइड में और तू अपना खर्चा पानी बता दे कि तू यहाँ पे तो उंगली नहीं कर रहा बट पीछे तो मतलब सामने से मीठा बोल के पीछे सुई तो नहीं कर चला रहा, तो वो चेक कर लेना है। कैसे बेटा, अगर मैं x इक्वल टू 1 इस फंक्शन में डालूंगा तो देखो 1 माइनस 1 0, 0 इनटू समथिंग 0, तो बेटा 0 इज ग्रेटर देन 0, क्या ट्रू या फॉल्स बेटा ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला रिलेशन मेरा ट्रू आता है तो x इक्वल टू 1 को मुझे आंसर में लेना पड़ेगा। अगर वो आंसर में ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर नहीं है तो बेटा मुझे यूनियन के साथ उसको ऐड करना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर x इक्वल टू 1 डालने पे, मतलब इवन पावर वाले 0 को इक्वेशन में डालने पे अगर रिजल्यूशन मेरा रिजल्ट मेरा ट्रू आता है तो मुझे उसको आंसर में लेना पड़ेगा। अगर वो ऑलरेडी आंसर में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर वो नहीं है बेटा तो यूनियन के साथ मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा, पहली बात तो, ठीक है ना। अब सर अगर फॉल्स आ गया तो, बेटा फॉल्स आ गया तो उसको आंसर से हटाना पड़ेगा। मान लो पहली बात तो वो आंसर में नहीं है, अगर वो आंसर में नहीं है तो ऑलरेडी नहीं ले रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर वो गलती से आंसर में आ रहा होगा तो उसे आपको रिमूव भी करना पड़ेगा। जैसे मैं इधर की बात करूं तो बेटा क्या 0 0 से बड़ा होता है? नहीं होता, फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये क्या है बेटा? फॉल्स। इसका मतलब x इक्वल टू 1 कभी भी नहीं हो सकता, हो सकता क्योंकि 1 डालने पे 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स रिलेशन है, मतलब x इक्वल टू 1 0, x इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। अब चेक करूं क्या x इक्वल टू 1 मैंने आंसर में लिया है? देखो मैंने आंसर में लिया है बेटा -4 से इनफाइनाइट, क्या -4 से इनफाइनाइट में 0 आता है? आता है, तो बेटा मुझे 1 को रिमूव करना पड़ेगा। क्या समझ में आया नहीं आया? तो मैं इस 1 को रिमूव कैसे करूंगा? -1 लगा के। क्या समझ में आया नहीं आया? यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, -1 लगा के। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा मेरा एक आंसर, ठीक है। मान लो बेटा मुझे ये एग्जामिनर बोल देता ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, केस बी ले लेते, केस बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अभी मैं पॉजिटिव आंसर ही लेता तो मेरा x तो अभी भी वही होता, x बिलोंग्स टू -4 से इनफाइनाइट, ठीक है। अब अगला काम मुझे चेक करना पड़ता इवन, तो x इक्वल टू 1 डाल लेते हैं बेटा। अगर 1 डालता तो बेटा इधर वापस 0 आता, मुझे क्या मिलता बेटा? 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल ट्रू, मैंने आपको बताया था ये क्या होगा, ट्रू। और बेटा अगर ये ट्रू मतलब x इक्वल टू 1 मेरे आंसर में आना चाहिए, क्या आंसर में है? है, मतलब मुझे कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। क्या ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब इस वाले केस में देखो दोनों में छोटा सा इंटर किया, इक्वल टू में हट गया, इक्वल टू में आ गया, नॉट इक्वल टू में मुझे हटाना पड़ गया। क्लियर नहीं हुआ? नहीं क्लियर हुआ? नहीं हुआ। अच्छा अगर बेटा मैं इसको लेस देन कर देता तो, लेस देन 0 की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, ठीक है सर, लेस देन की बात कर लेते हैं। लेस देन 0 होने का मतलब बेटा इस बार मैं चूज करूंगा नेगेटिव आदमी, किसको करूंगा? नेगेटिव मतलब ये वाला। तो x कहां से कहां तक होगा बेटा? सी बेटा मेरा x हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -4, क्यों बेटा? मुझे ये बैलेंस चुनना है। अब अगला काम चेक करने वाला x इक्वल टू 1 पे, बेटा 1 डालने पे इधर आया 0 इज लेस देन 0, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, मतलब ये मेरे आंसर में नहीं आना चाहिए, 1 मेरे आंसर में नहीं आना चाहिए, ऑलरेडी है भी नहीं। मैंने कहा भाई माइनस इनफाइनाइट से -4 तक है, 1 तो आई नहीं रहा, और जब आई नहीं रहा तो मैं हटाऊं क्यों? ऑलरेडी हटा हुआ है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके, मतलब हटाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगर सर इक्वल टू कर दूं तो भी वो भी देख लेते हैं। इक्वल टू होने का मतलब डी केस, डी केस क्या होगा बेटा? फिर से नेगेटिव ही है, लेस देन इक्वल टू मतलब बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -4, ठीक है। वापस x इक्वल टू 1 पे चेक करूंगा तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, जो कि बेटा ट्रू है, मतलब x इक्वल टू 1 मेरे आंसर में आना चाहिए, जो कि मुझे नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूंगा? यूनियन लगा के 1 को ऐड कर दूंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा देखो क्वेश्चन थोड़ा मैशअप कर सकते हैं आपको, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिएगा और लिखिएगा सेपरेटली, एक साथ नहीं,
सेपरेटली लिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो दो केस में तो बेटा, अगर दो केस में तो मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, कब ग्रेटर देन दो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में मुझे कोई छेड़छाड़ की जरूरत नहीं पड़ी, सेम आंसर आ गया। लेस देन जीरो में भी कोई चेंज नहीं करना पड़ा, सेम आंसर आ गया। बट ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन जीरो में बेटा मुझे वन को रिमूव करना था, करना पड़ा, और लेस देन इक्वल टू जीरो में बेटा मुझे वन को एड करना पड़ा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब एक ही क्वेश्चन अगर मैं इनइक्वलिटी के साइन चेंज कर देता हूं बेटा, तो बेटा मेरे अलग अलग आंसर आते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा इसलिए आपको इवन पावर पे ध्यान देना है, क्योंकि बच्चा कॉमनली इसको ध्यान देता है, और उस केस में बेटा सेकंड बी और सी में तो आंसर सही आता है, बट ए वाले केस में और डी वाले केस में बेटा उसका आंसर गलत हो जाता है। और ऑप्शन में दोनों दे रखे होते हैं, ये वाला ए, ए वाला भी आंसर में होगा, बी वाला भी आंसर में होगा, और डी वाला भी आंसर में होगा। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा ये था मेरा इनइक्वलिटी का बेसिक, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास x माइनस वन का होल स्क्वायर, x माइनस टू की होल क्यूब, x माइनस फाइव की पावर थ्री की पावर फाइव, ग्रेटर देन जीरो। बेटा फिर से काम की बात देखो, ग्रेटर देन जीरो बेटा मैं आपको करा रहा हूं, लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू जीरो, और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बेटा ये तीनों केस बेटा आपके होमवर्क हैं। क्या है बेटा? होमवर्क है, ठीक है। फैक्टर ऑलरेडी हो रखे हैं, उसके बाद वन टू थ्री सबसे राइट में पॉजिटिव, फिर आया तीन, तीन के पास गया, तीन कहां से मिला? यहां से। पावर क्या है? फाइव, मतलब और पावर, तो मुझे क्या मिलेगा? साइन चेंज नेगेटिव। फिर क्या आया? दो, दो कहां से आया? इधर से। पावर कितनी? तीन, मतलब फिर से साइन चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। फिर कौन मिला? फिर मिला बेटा वन, कहां से आया? यहां से। पावर कितनी? इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज पॉजिटिव। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो पहली बात तो बेटा मुझे चाहिए ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब ये और ये, तो बेटा मेरा आंसर आया कितना? माइनस इनफाइनाइट से, माइनस इनफाइनाइट से टू, अच्छा मैंने सीधा आंसर लिख दिया है, कैसे लिखो गया? माइनस इनफाइनाइट से टू यूनियन तीन से इनफाइनाइट। पहली बात तो बेटा ये तो मेरा आंसर आ गया। अब मैं चेक करूंगा वन को, अगर मैं इक्वेशन में वन डालता हूं तो मुझे जीरो मिलेगा। क्या जीरो जीरो से बड़ा होता है? नहीं होता, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट। देखो चेक एट वन, जीरो ग्रेटर देन जीरो फॉल्स, मतलब मुझे जीरो को पूरी इक्वेशन से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाऊंगा बेटा? या फिर तो मैं माइनस वन कर दूं, या फिर तो मैं माइनस वन कर दूं, मतलब गोला काट दिया वन पे, या फिर बेटा करने का तरीका वही हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था फोर वाला, याद है ना, कि फोर को या फिर तो मैं तोड़ तोड़ के लिख, या फिर माइनस फोर कर दूं। तो बेटा एक तरीका वो, और एक तरीका क्या होगा, माइनस की नहीं करना चाहूंगा तो मैं क्या कर सकूंगा, मैं लिखूंगा बेटा माइनस इनफाइनाइट से वन तक, माइनस इनफाइनाइट से वन तक, फिर वन से लेके दो तक, फिर वन से लेके दो तक, और फिर तीन से लेके बेटा इनफाइनाइट। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ सभी को? बेटा वीडियो को एक बार अगर आपको थोड़ा समझ में ना आए तो एक बार और देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा मेरा डिनोमिनेटर वाला, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेटा कुछ नहीं करना बेटा, डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन वही होते हैं, कुछ नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता बेटा, सारे कॉन्सेप्ट वही लगते हैं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर में मेरा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, मतलब इस केस में x माइनस फाइव जीरो नहीं होगा। इसका मतलब x कभी भी पांच नहीं होगा। सर इसका मतलब क्या है? कि मुझे पांच को आंसर में नहीं लेना, मतलब अगर पांच मेरे आंसर में आ रहा है, अगर पांच मेरे आंसर में आ रहा है तो बेटा उसको मुझे आंसर में नहीं लेना। इसका मतलब बेटा मैं पांच को, अगर आंसर में मेरा पांच नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर आंसर में पांच आ गया तो बेटा मुझे फाइव को रिमूव करना पड़ेगा, बस, और मेरा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब एक बात और समझना बेटा, बेटा देखो ये चीज कई बार आपके किस तरह से आती है, मैंने आपको एग्जांपल और दिया है फाइंड एक्स, या फिर मैंने लिखा है देखो अंडर रूट समथिंग एग्जिस्ट, कब एग्जिस्ट करेगा? बट देखो मैंने आपसे कहा था स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, इसका मतलब अंदर वाले फंक्शन को पॉजिटिव होना पड़ेगा। मतलब अगर एग्जामिनर ये भी पूछता है कि बताओ एक्स की किन वैल्यूज के लिए स्क्वायर रूट फंक्शन दिस एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब आप इसको ही चेक करोगे कि अंदर वाला मेरा पॉजिटिव है या नहीं है। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन मेरा ग्रेटर देन जीरो, उसके बाद नंबर एंड प्रोडक्ट करो, कौन कौन से पॉइंट? वन थ्री फाइव, तो वन थ्री फाइव, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव, फिर फाइव कहां से आया बेटा? फाइव मेरे पास आया पांच से। ऑर्डर कितनी है? पावर कितनी है? ऑड, मतलब साइन चेंज। प्लस से क्या हो गया?
प्लस से हो गया माइनस, ठीक है। फिर आया तीन, तीन किससे आया बेटा, फिर से पावर कैसी और मतलब प्लस, ठीक है। और फिर आया बेटा वन, वन कैसा बेटा, पावर कैसी इवन, मतलब बेटा यहाँ पे भी मुझे मिलेगा प्लस, ये ध्यान रखना मिलेगा प्लस। अब काम की बात समझना बेटा, बेटा डिनोमिनेटर जहां पे भी जीरो हो रहा है ना, हटाने की जरूरत नहीं है उसको, पहले ही गोला काट दो उसको, आंसर में हटाने की जरूरत नहीं है उसको, पहले ही उस पर गोला काट दो, मतलब मैं पांच नहीं लूंगा, सीधी सी बात ये, क्लियर। अब चेक करोगे इवन पावर मतलब x = 1 को, बेटा अगर मैं 1 डालता हूं तो पूरा फंक्शन जीरो, और क्या जीरो जीरो से बड़ा और इक्वल टू होता है, होता है, मतलब x = 1 मेरे आंसर में आना चाहिए, ट्रू है ना, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मेरा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव, चाहिए 1 को मैं लूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा बेटा ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब एक काम की बात और समझना बेटा, इक्वल टू साइन होने की वजह से बेटा मेरे पास आएगा क्लोज इंटर, क्लोज क्या आएगा, क्लोज, बट पांच पे मैंने ओपन कर रखा है तो पांच पे ओपन तीन पे क्लोज, तो आंसर क्या है बेटा, मेरा आंसर आया माइनस इनफाइनाइट से, ये सही इंप्रूव कर लो इसको बेटा, माइनस इनफाइनाइट से तीन तक, यूनियन पांच से इनफाइनाइट तक, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ। और आप चाहो तो होमवर्क में लेस देन इक्वल टू लेस देन एंड ग्रेटर देन ये तीनों बेटा इसी क्वेश्चन के आप होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा, ठीक है बेटा, अगली क्लास बेटा आपकी जब भी स्टार्ट होगी, अगली क्लास जो भी होगी बेटा, अगली क्लास में हम अगला टॉपिक देखेंगे, अगला टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ बेटा, फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। वैसे बहुत लॉलीपॉप कॉन्सेप्ट है ये, तो आपको बड़ी बात नहीं है, हाँ जी अगली क्लास में बेटा इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा, चलिए बेटा, ओके, वेरी वेरी थैंक यू बेटा।